हेलो एवरीवन, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने किया था कैश मेमोरी को डिटेल में। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें हम मेन करेंगे डिफरेंस बिटवीन डी रैम एंड एस रैम। डी रैम एंड एस रैम इसके टाइप्स हैं रैम के, और रैम कैसे वर्क करती है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रैम। नाउ सी, जो मेन मेमोरी है हमारी या जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, उसके टू टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। रैम इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज योर रीड ओनली मेमोरी। देखो नाम से पता चल रहा है, रीड ओनली मीन्स इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो, इसको आप अपडेट नहीं कर सकते हो। बट रैम को आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। ओके, इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ रैम को डिस्कस करेंगे, रोम को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रैम। देखो रैम एक आपको एक चिप दिखाई दे रही है, ऐसी एक चिप होती है, उसको हम मदरबोर्ड पे लगाते हैं और वो हमारी मेमोरी सेट हो जाती है, रैम हमारी बन जाती है। ओके, सो वी विल से दैट रैम इज अ हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर है, आपको दिखाई दे रही है चिप, यू कैन टच इट, और जनरली लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। मदरबोर्ड पर हम लगाते हैं इसको, चिप को। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू। इसको हम सीपीयू के इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था रैम हमारी रीड राइट मेमोरी होती है, आप इसको रीड भी कर सकते हो, इसमें जो डेटा है उसको राइट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। बट अगर रोम की हम बात करें, रीड ओनली मेमोरी, उस पर आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो। ओके, इट इज लाइक जैसे पीडीएफ एंड वर्ड फाइल है, पीडीएफ फाइल को आप सिर्फ रीड कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते हो। जो आपकी वर्ड फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है, डॉक होती है, उसको आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। जैसे ही लाइट जाएगी, इसपे जो डेटा है, कंटेंट है, वो लॉस हो जाएगा। ओके, सो ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ देखो रैम के फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दैट मीन्स आप रैंडमली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में करना है, कहीं भी किसी भी सेल का डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अ कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस मेनली डिपेंड ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम। लाइक अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जाते हो, आप क्या देखते हो कि प्रोसेसर कितना है, रैम कितनी है, ठीक है, क्योंकि रैम पर आपकी सीपीयू या आपके कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है, उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। रैम जितनी अच्छी लोगे आप, ज्यादा साइज की लोगे, उतनी बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलती है, ठीक है। सो ये थी रैम के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं रैम कैसे वर्क कैसे करती है। अगर आपको मेमोरी हायरार्की याद है, जो हमने किया था, एक हमारा प्रोसेसर था, देन एक कैश मेमोरी, देन हियर इज योर रैम, एंड लास्ट वन इज योर हार्ड डिस्क, राइट। ठीक है, ये अलग अलग हमारी मेमोरीज लगी हुई है, योर कैश, रैम एंड योर हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी। नाउ जब भी आपका कंप्यूटर अभी बंद है, मान लो लेटर से वो स्विच ऑफ है, उसमें जो भी डेटा है, जितनी भी फाइल्स है, वो आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी के पास। जैसे ही आपने कंप्यूटर को ऑन किया, ऑन करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन जब आप खोलोगे, मान लो आपने ऑन करने के बाद पेंट ओपन किया, या फिर से मूवी कोई चला रहे हो आप, यूट्यूब चला रहे हो, जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे, उससे रिलेटेड डेटा सेकेंडरी मेमोरी से पहले आएगा आपकी प्राइमरी मेमोरी के पास। प्राइमरी मेमोरी में जनरली आपकी रैम हम ले रहे हैं। सो हार्ड डिस्क से आपका डेटा पहले रैम के पास आएगा, और प्रोसेसर फिर रैम से डेटा को एक्सेस करेगा। सो दिस इज द प्रोसेस। जब भी कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन आप चला रहे हो, उसका डेटा हमेशा रैम में होगा। ओके, प्रोसेसर रैम से डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। कैश में भी थोड़ा सा डेटा होता है, वो वही डेटा होता है सेम रैम से लिया हुआ, जो हम फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। कैश हमारे बफर की तरह वर्क करते हैं, ये हम कर चुके हैं, राइट। नाउ प्रॉब्लम क्या आती है, अगर एकदम से मान लो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, या फिर बैटरी खत्म होगी आपकी लैपटॉप की, तो रैम में जो भी डेटा है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। जब आप दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करोगे, वो डेटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। वट एवर डेटा इट हैज, जैसी लाइट जाएगी वो चला जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने उस फाइल को सेव कर दिया, मान लो मैं वर्ड में कुछ टाइप कर रही थी,
और मैंने उसको सेव कर दिया। सेव करने का मतलब है वो डेटा हमने हार्ड डिस्क पर स्टोर कर दिया। हार्ड डिस्क पे जो भी डेटा है वो कहीं नहीं जाता है, लाइट चली भी जाएगी तब भी वो डेटा वहीं रहता है, बट रैम के केस में ऐसा नहीं है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ रैम। प्रोसेसर को जो भी डेटा लेना है वो रैम पे वर्क करता है, हार्ड डिस्क पर नहीं करता। हार्ड डिस्क से हमें जो भी डेटा पे वर्क करना है वो हम रैम में लेके आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ रैम। देखो मेन मेमोरी के दो टाइप थे, रैम एंड रोम। रैम के फर्दर दो टाइप्स हैं, इट इज एस रैम एंड डी रैम। एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम, डी रैम मीन्स डायनामिक रैम। इन दोनों को हम डिटेल में करते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी रैम एंड एस रैम? देखो डी रैम में सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है, इसको हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, पहले के टाइम में जो कंप्यूटर आते थे उन्हें बहुत बार रिफ्रेश करना पड़ता था, क्योंकि वहां पर हम डी रैम यूज करते थे। अभी आजकल भी हम डी रैम बहुत बार यूज करते हैं। इसमें क्या है, जो भी डेटा डाला हुआ है उसमें मेमोरी उसको रिटेन नहीं करती, और रिटेन करने के लिए हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डी रैम एंड एस रैम। डी रैम में हमें मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, बट इन केस ऑफ एस रैम हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हमारी जो मेमोरी है उसमें डेटा रहेगा जब तक कि आपने इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो चाहे कोई भी रैम है उसमें से डेटा लॉस होगा ही होगा, क्योंकि रैम हमारी वोलेटाइल है। बट इलेक्ट्रिसिटी है तब भी डी रैम को आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ एस रैम देर इज नो नीड टू रिफ्रेश। ओके, नेक्स्ट इज डी रैम में हमारे पास क्या क्या होता है। इट इज मेड अप ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। इन केस ऑफ एस रैम हमारे पास सिक्स ट्रांजिस्टर होते हैं बट नो कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर नहीं लगा होता है। एस रैम में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जो हमारी डी रैम है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू एस रैम। एस रैम हमारी फास्ट होती है, डी रैम छोटी भी होती है साइज में। मान लो आपको 10 यूनिट स्पेस लेना है, उस केस में आपकी डी रैम छोटी होगी 10 यूनिट के लिए ही, बट एस रैम 10 यूनिट के अकॉर्डिंग भी बड़ी होती है। सेम स्पेस के लिए, सेम यूनिट के लिए साइज में डिफरेंस है। एंड योर डी रैम इज चीपर एज कम्पेयर टू एस रैम। डायनामिक रैम स्लो होती है, स्मॉल होती है और चीप होती है एज कम्पेयर टू योर एस रैम। पावर कंजप्शन भी कम होती है डी रैम में एज कम्पेयर टू एस रैम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट इज, जो हमारी मेन मेमोरी है जनरली वो डी रैम से बनी होती है। इसलिए मैंने बोला था आजकल भी हम डी रैम यूज करते हैं। अब एस रैम क्या है, फास्ट है, साइज भी बड़ा है, महंगी भी है, इसलिए हम उसको जनरली कैश मेमोरी की तरह यूज करते हैं। ओके, सो एस रैम इज यूज एज कैश मेमोरी। सो ये आपको याद रखना है, एस रैम कैश मेमोरी की तरह यूज करते हैं, डी रैम हम मेन मेमोरी की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है डी रैम के, DDR3, DDR4। ये अगर आप कभी कंप्यूटर लैपटॉप लेने जाओगे तब आप जब उस पर रिसर्च करोगे कि मेरे को कौन सा लेना, तब आप ये सब उसमें टर्म्स आती हैं। सो वो सब आपकी डी रैम होती है, DDR3, DDR4, और जनरली इनका साइज होता है जीबी में। अगर आप फोन की बात करो, आप खरीदते हो तो जनरली उसमें रैम होती है 1 to 3 GB की, राइट? बट लैपटॉप में आप 4 to 16 GB, आजकल 32 GB की रैम भी आ रही है, तो वो हम यूज करते हैं, ठीक है? और एस रैम में हमारे पास होती है L2 एंड L3 कैश। कैश में हमने पढ़े थे थ्री टाइप्स की कैश थी, L1, L2, L3। जो L2, L3 कैश है वो आपकी स्टैटिक रैम होती है, ओके? और इनका साइज क्या होता है, 1 MB से 16 MB। ये भी हमने ऊपर भी किया है कि महंगी होती है, ज्यादा स्पेस लेती है, इसलिए हम इनका साइज छोटा रखते हैं, ठीक है? क्योंकि जो भी महंगी चीज है वो हम थोड़ी लेंगे, सो इसलिए इनका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू डी रैम। ओके, सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन डी रैम एंड एस रैम, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है? मेन बस आपको याद रखना है कि डी रैम को हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, एस रैम को नहीं रिफ्रेश करना पड़ता, और एस रैम को जनरली हम कैश मेमोरी की तरह यूज करते हैं, डी रैम को मेन मेमोरी की तरह। ओके, सो डेट इज ऑल फॉर टूडे। रैम में हमने उसका इंट्रोडक्शन, कैसे वर्क करती है रैम एंड उसके टाइप्स। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, और आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।